गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रुचि त्यागी, आई एम योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 9th. आवर चैप्टर 9th इज फेथफुल हचिको, वफादार हचिको. हचिको बिलोंग्ड टू अ प्रोफेसर हु लिव्ड इन शिबुया एंड टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो. हचिको एक प्रोफेसर से संबंधित था जो शिबुया में रहता था एंड टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, और टोक्यो की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. द प्रोफेसर फाउंड द डॉग, प्रोफेसर को डॉग मिला. हंग्री एंड वेट ऑन अ बिजी स्ट्रीट, द प्रोफेसर फाउंड द डॉग हंग्री एंड वेट ऑन अ बिजी स्ट्रीट. प्रोफेसर को डॉग भूखा था जो कि मिला था एंड वेट गीला था ऑन अ बिजी स्ट्रीट, व्यस्त गली में. प्रोफेसर को एक डॉग मिला जो कि भूखा था, गीला था और एक बिजी स्ट्रीट पे मिला. ही टुक हिम होम एंड लुक्ड आफ्टर हिम, वह उसे घर ले आया और उसकी देखभाल की. हचिको ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल डॉग, हचिको एक सुंदर डॉग हो गया. वेयर एवर द प्रोफेसर वेंट हचिको वुड फॉलो, जहाँ भी प्रोफेसर जाता था हचिको फॉलो करता था. एवरी मॉर्निंग हचिको वुड फॉलो हिम टू शिबुया स्टेशन, एवरी मॉर्निंग हर सुबह हचिको वुड फॉलो हिम टू द शिबुया स्टेशन, हचिको उसे शिबुया स्टेशन पर फॉलो करता था. वेयर द प्रोफेसर कॉट हिज ट्रेन टू द यूनिवर्सिटी, वेयर द प्रोफेसर कॉट हिज ट्रेन टू द यूनिवर्सिटी, जहाँ प्रोफेसर अपनी ट्रेन यूनिवर्सिटी के लिए पकड़ता था. आउटसाइड द स्टेशन द प्रोफेसर वुड पैट हचिको, आउटसाइड द स्टेशन स्टेशन के बाहर द प्रोफेसर वुड पैट हचिको, प्रोफेसर ने हचिको को थपथपाया. गुड बाय हचिको ही वुड से, वह कहता था हचिको गुड बाय, नाउ वी शैल मीट इन द इवनिंग, अब हम इवनिंग में मिलेंगे. हचिको वुड सिट डाउन एंड लुक एट द प्रोफेसर अंटिल ही डिसअपियर्ड अमंगस्ट द क्राउड्स, हचिको वुड सिट डाउन एंड लुक एट द प्रोफेसर अंटिल ही डिसअपियर्ड अमंगस्ट द क्राउड्स. हचिको नीचे बैठ जाता था एंड लुक एट द प्रोफेसर, और प्रोफेसर को देखता रहता था. अंटिल ही डिसअपियर्ड अमंगस्ट द क्राउड्स, जब तक वह क्राउड के बीच में दिखाई नहीं देता था. देन ही वुड गो आउट एंड प्ले इन द स्टेशन स्क्वायर, तब वह बाहर जाता था और प्ले इन द स्टेशन स्क्वायर, और स्टेशन के चबूतरे पर, स्टेशन के चबूतरे पर खेलता था. ही मेड प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स देयर, उसने वहाँ बहुत सारे मित्र बनाए. इन द इवनिंग व्हेन इट वॉज टाइम फॉर द प्रोफेसर्स रिटर्न, इन द इवनिंग शाम में जब यह टाइम प्रोफेसर के रिटर्न होने का था, हचिको वुड ऑलवेज रन एंड सिट एट द एंट्रेंस टू द स्टेशन, हचिको हमेशा दौड़ता था एंड सिट एट द एंट्रेंस टू द स्टेशन, और स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बैठ जाता था. ही न्यू द ट्रेन दैट ब्रॉट हिज फ्रेंड होम, वह जानता था कि ब्रॉट हिज फ्रेंड होम, वह जानता था किसको, ट्रेन को, जो ट्रेन उसके फ्रेंड को लाती थी कहाँ पर, घर पर. तो वह ट्रेन को जानता था जो ट्रेन उसके फ्रेंड को घर पर लाती थी. हचिको वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ द प्रोफेसर गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज ट्रेन, हचिको वुड बी वेरी हैप्पी, हचिको बहुत ज़्यादा खुश होता था जब वह देखता था कि हचिको अपनी ट्रेन से गेटिंग डाउन नीचे आ रहा है. कौन, प्रोफेसर. हचिको वुड बी वेरी हैप्पी, हचिको बहुत खुश होता था
when he saw the professor getting down from his train. जब वह देखता था कि प्रोफेसर अपनी ट्रेन से नीचे आ रहा था. Then they both would go home. तब वे दोनों घर जाते थे. But one day something happened. लेकिन एक दिन कुछ हो गया. One evening the professor didn't return. एक इवनिंग को प्रोफेसर नहीं लौटा. He had died suddenly at the university. वह अचानक से ही मर गया. कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में. वह अचानक से ही यूनिवर्सिटी में मर गया. But Hachiko did not know that and he sat waiting as usual. लेकिन Hachiko वह नहीं जानता था और वह इंतजार कर रहा था as usual जैसे वो हमेशा करता था. The people there told him to go home. The people there वहाँ के लोगों ने उसे घर जाने के लिए बोला. किसको स्टूडेंट्स? Hachiko को. गो होम डोगी. डोगी घर जाओ. दे वुड कॉल ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड. वे उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे. द प्रोफेसर विल नॉट रिटर्न. प्रोफेसर नहीं लौटेगा. बट Hachiko डिड नॉट गो होम. लेकिन Hachiko घर नहीं गया. द नेक्स्ट डे ही वेटेड अगेन एंड देन वेटेड एवरी डे. द नेक्स्ट डे अगले दिन ही वेटेड अगेन. उसने फिर से इंतज़ार किया. एंड देन वेटेड एवरी डे. और तब वह हर दिन इंतज़ार करता था. वीक्स पास्ड देन मंथ्स एंड ईयर्स. वीक्स पास्ड देन मंथ्स एंड ईयर्स. वीक बीत गए. सप्ताह बीत गए. देन मंथ्स एंड ईयर्स. मंथ्स बीत गए. महीने बीत गए. एंड ईयर्स और सालों बीत गए. Hachiko कंटिन्यू टू वेट पेशेंसली एवरी इवनिंग. Hachiko कंटिन्यू टू वेट पेशेंसली एवरी इवनिंग. Hachiko हर शाम को धैर्यता से लगातार इंतजार करता था. नो वन कुड मेक हिम गो होम. कोई भी उसे घर जाने के लिए तैयार नहीं कर सका. एवरीबडी फेल्ट दैट Hachiko वॉज अ वेरी लॉयल एनिमल. हर एक कोई महसूस करता था कि Hachiko एक वफादार जानवर है. वी मस्ट हैव अ स्टैचू ऑफ दिस डॉग इन द शिबुया स्टेशन स्क्वायर. वी मस्ट हैव अ स्टैचू ऑफ दिस डॉग इन द शिबुया स्टेशन स्क्वायर. हमारे पास इस डॉग का एक स्टैचू शिबुया स्टेशन के चबूतरे पर होना चाहिए. द पीपल सैड. लोगों ने कहा. आ स्कल्पचर कार्ल तेरू एंडो मेड अ स्टैचू. तेरू एंडो नामक एक मूर्तिकार ने एक स्टैचू बनाया. फॉर देम एंड द पीपल सेट इट अप इन द स्क्वायर. किसके लिए? उनके लिए. पीपल के लिए. लोगों के लिए बनाया. एंड द पीपल सेट इट अप इन द स्क्वायर. और लोगों ने इसको चबूतरे पर सेट कर दिया. Hachiko saw his own statue and used to play under it. Hachiko saw his own statue and used to play under it. Hachiko अपने खुद की स्टैचू को देखता था और इसके नीचे खेला करता था. He did not know that he was the dog in the statue. वह नहीं जानता था कि वह डॉग ही स्टैचू में था. Another year passed. Another year passed. अन्य साल भी बीत गए. दूसरा साल भी बीत गया. Hachiko was now very old and that winter he died. Hachiko अब बहुत बूढ़ा हो गया था. and that winter he died. और उस सर्दियों में वह मर गया. A year or so later. A year or so later. एक साल या उसके बाद there was a terrible war. एक भयानक युद्ध हुआ था. The rulers needed metal to make weapons and so they melted down the statue. Rulers राजाओं को needed metal to make weapons and so they melted down the statue. राजाओं को मेटल की नीड पड़ी.
किसकी? धातु की नीड पड़ी टू मेक वेपन्स, हथियारों को बनाने के लिए. एंड सो दे मेल्टेड डाउन द स्टैचू, और तब उन्होंने स्टैचू को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया. दीवार डिस्ट्रॉयड जापानीज सिटीज टाउन्स एंड विलेज. युद्ध, दीवार वार किसे बोलेंगे? युद्ध. जापानीज सिटीज का जो युद्ध था वो नष्ट हो गया. टाउन्स एंड विलेज जो कस्बे थे और विलेज थे उनको नष्ट कर दिया. किसने? युद्ध ने. युद्ध ने जापानी सिटीज को, टाउन्स को और विलेज को नष्ट कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हजारों लोग मारे गए. तेरू अंटो वॉज किल्ड टू, तेरू अंटो भी मारा गया था. आफ्टर द वार द पीपल हु वर स्टिल अलाइव रिमेंबर्ड द डेज बिफोर द वार. आफ्टर द वार, युद्ध के बाद the people who were still alive remembered the days before the war. लोग जो अभी भी जीवित थे वो वार के पहले वाले दिनों को याद करते थे, युद्ध के पहले वाले दिनों को याद करते थे. There was a lovely statue of the faithful dog in our town. हमारे कस्बे में वफादार डॉग का एक प्यारा सा स्टैचू था. They told each other, वे एक दूसरे से कहते थे, We must have it back, हमारे पास ये वापस होना चाहिए. The people knew that Teru Anjo had a son, लोग जानते थे कि Teru Anjo के पास एक बेटा था. Who was a good sculptor too, जो एक अच्छा क्या था? मूर्तिकार था. They went to him and said, वे उसके पास गए एंड सेट और कहा, प्लीज मेक अस अ स्टैचू एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट वन, कृपया हमारे लिए एक स्टैचू बनाइए कैसा? पहले की तरह. लाइक द फर्स्ट वन, पहले की तरह. एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल पहले की तरह. द यंग स्कल्प्टर मेड देम द सेकेंड स्टैचू. यंग स्कल्प्टर ने, जवान मूर्तिकार ने उनके लिए एक दूसरा स्टैचू बनाया. एंड दैट इज़ द स्टैचू दैट स्टैंड्स आउटसाइड द रेलवे स्टेशन इन शिबुया. और वह स्टैचू जो रेलवे स्टेशन के बाहर शिबुया में खड़ा रहता था. तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 9 फेथफुल हचिको. I hope that you will get the explanation of this chapter. If you have any query related to this chapter, then you may message me. Thank you and have a nice day.